Assalamualaikum, मेरा नाम मोहम्मद वकार है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इतने दिनों से हमने कोई चैनल पे वीडियो नहीं थी बनाई, उसकी वजह ये थी कि हम ट्रैवल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। वो उसकी वीडियोस भी आएंगी यूट्यूब पे, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। तो अभी हमने सोचा आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखा दी जाए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अभी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो आपको आज हम अपना यूनिवर्सिटी का टूर करवाते हैं सारा। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी। एडमिशन ऑफिस, जो अभी हम एडमिशन ऑफिस में आ गए हैं। नॉर्वेजियन में इसको आर्नेर इतदाल सोस कहा जाता है। तो अभी हम आपको पूरा अपना एडमिशन ऑफिस दिखाते हैं। उसको जैसे आप एंटर होते हैं, सबसे पहले आता है स्टूडेंट रिसेप्शन, उसके बाद ये आगे जाके कुछ लेक्चर रूम्स हैं, और ये ऊपर भी कुछ लेक्चर रूम हैं। यहाँ पे स्टाफ के रूम्स हैं, ये इस तरफ सारे एडमिशन स्टाफ है जितना, उसके रूम्स हैं। इस स्क्रीन पर हमें पता चल जाता है हमारी कौन सी बस आ रही है और कितने मिनट में आ रही है। उसके बाद ये कुछ सिटिंग एरियाज़ हैं। तो जब आप इस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये सारा कैफेटेरिया का सेटअप है। ये एडमिशन ऑफिस के अंदर एक कैफेटेरिया है, जो कि उस तरफ प्रोबेबली इस टाइम बंद होगा, यहाँ पे मौजूद है ये। यहाँ पे ये हमारा कैफेटेरिया है, और सामने वो जो डोर है वो ऑडिटोरियम का डोर है। उसके बाद ऊपर ये कुछ स्टाफ के रूम्स हैं, टीचर्स वगैरह के भी, और कुछ यहाँ पे स्टडी रूम्स हैं, वो आपको हम ऊपर जाके दिखाते हैं। तो ये कुछ लेक्चर्स रूम है, यहाँ पे आई थिंक आर्ट्स वालों के या कुछ बैचलर्स वगैरह वालों के लेक्चर्स होते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हैं ग्रुप रूम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने रूम अपने नाम पर बुक करवा लेते हैं, और ये ग्रुप स्टडी वगैरह के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ये देखें, आगे अगर हम इस तरफ जाएं तो एट द एंड है एग्ज़ाम ऑफिस। तो अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, जिन बिल्डिंग की एडमिशन बिल्डिंग की, और यहाँ पर है ये स्टडी एरिया। तो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आके अपनी इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हैं। ये सारे इन्होंने स्टडी के लिए बनाए हैं। एडमिशन ऑफिस से निकलें तो सामने ये जो ब्लू बैनर के साथ है, ये स्टूडेंट हाउस है। यहाँ पर ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, उनके ऑफिसज़ हैं। उसके बाद ये कुछ आर्ट्स की बिल्डिंग है, कुछ बैचलर्स की हैं, कुछ मेडिकल वगैरह की हैं। तो ये बाकी की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे इस तरफ है भाई स्टूडेंट हाउस। स्टूडेंट हाउसिंग वो सोसाइटी है जो कि स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है, और इंटरनेशनल ऑफिस है जो स्टूडेंट्स की सारी चीज़ों को लेके चलता है, वो इसकी जरिए ऑफिस। तो अगर आपने कुछ बुक्स बाय करनी हो इसी बिल्डिंग में, आपको ये नीचे बुक स्टोर भी मिल जाता है। तो भाई ये रही हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये इनका मेन कैफेटेरिया है। अभी इस टाइम बंद है क्योंकि हम सैटरडे को आए। तो थोड़ा सा आ गया है तो ये एक और कैफ़े आता है, इसका नाम बुक कैफ़े ना। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉफ़ी और छोटे मोटे स्नैक्स मिलेंगे। जो मेन कैफेटेरिया था वो दूसरा ही था। और ये हमारी बिल्डिंग का ऑडिटोरियम है। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन, एग्जीबिशन, कोई प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो, कुछ भी हो, या ओपन हाउस हो, करियर फेयर हो, तो वो सारे इस ऑडिटोरियम के अंदर होते हैं, जो कि प्रोबेबली अभी क्लोज होगा, बट लेट्स सी इफ इट इज़ ओपन और नॉट। I think it's close. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. So
यूनिवर्सिटी में एक हमने मुस्लिम सोसाइटी है जिन्होंने एक मॉस्क भी बनाई हुई है, उसमें हम जब मर्ज़ी जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जुमा भी होता है। तो अभी हम आपको उसकी तरफ लेकर चलते हैं। तो प्रेयर एरिया, प्रेइंग रूम, ये कुछ स्टाफ के ही रूम हैं और कुछ क्लासरूम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे शोर बहुत कम होना चाहिए। ये है भाई मुसलमानों का प्रेइंग एरिया, जहाँ पे हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। तो ये हर टाइम ओपन होता है, आप किसी भी टाइम आके अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। फीमेल के लिए पर्दे का इंतज़ाम भी है। ये है हमारा प्रेयर रूम। इस तरफ डिपार्टमेंट्स की कुछ फार्मूला वन रेसिंग कार हैं जो इन्होंने ख़ुद बनाई हैं स्टूडेंट्स ने यहाँ के। तो ये हैं भाई हमारे क्लासरूम्स। इस टाइम कोई क्लास नहीं हो रही तो लाइट्स ऑफ। तो ये हमारे क्लासरूम्स हैं जहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बेसन है। इस तरफ ये एक लैब है जिसको डाटा लैब कहते हैं, यहाँ पे कुछ भी इवेंट्स होते हैं छोटे मोटे तो वो यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो ये ऊपर थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, टोटल पांच फ्लोर है, लेकिन चार तक ही क्लासेस होती हैं। पांचवा फ्लोर इनके स्टाफ के लिए है और पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। आपको कुछ लैब्स की तरफ लेके चलते हैं। जगह जगह पे इन्होंने स्टूडेंट के स्टडी के लिए एरिया बनाया हुआ है, क्योंकि आज वीकेंड है तो लैब्स वगैरह तो बंद है, इसके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। तो आपको बाहर से दिखा देते हैं, ये इस तरह की कुछ लैब्स होती हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी से पहले आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये यहाँ पे हैं स्टूडेंट लॉकर्स, तो किसी ने भी अगर कोई अपना बैग या कोई लैपटॉप या कोई बुक या कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी हो तो वो इन लॉकर्स वगैरह में रख सकते हैं। लॉकर्स के साथ ही है भाई लाइब्रेरी, जहाँ पे अगर कोई यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होने वाला है तो ये स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाता है कब है और कहाँ पे है। तो ये है भाई लाइब्रेरी। मुझे अपनी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पसंद है, कश्मीर 24/7 खुली होती है। यहाँ आपको हर फैसिलिटी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब्स, हर बुक, इंटरनेट एंड्रॉइड होते साथ ही। पहले ये रिसेप्शन है इसके, तो ये लाइब्रेरी का प्रिंटिंग एरिया है। आप खुद यहाँ पे आके प्रिंट निकाल सकते हो। और ये इन्होंने भी हमें प्रोवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स को किचन, ताकि अगर वो स्टडी के दौरान कुछ खाना चाहें तो वो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपना खाना लाओ, माइक्रोवेव करो, और अगर आपने कोई फ्रिज वगैरह में स्टोर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं ये। लेकिन खाने के ऊपर आपको फिर अपना नाम लिखना पड़ता है ताकि कोई और अपना समझ के ना ले जाए। तो ये किचन प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। इस तरफ टॉयलेट्स हैं, आज वीकेंड है लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं पढ़ने के लिए, इतने ये लोग पढ़ाके होते हैं। अभी तो दो दिन हुए हैं सेमेस्टर स्टार्ट हुए। ये इंडिविजुअल स्पेसेस हैं, और बाकी दूसरी तरफ हम ग्रुप स्टडी वगैरह के लिए बैठ सकते हैं। अपनी फेवरेट जगह भी हो जहाँ हम लोग बैठ के पढ़ते।
हाँ, इनके सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी लाइब्रेरी में सोफ़े भी अवेलेबल हैं, तो हम तो बस यहाँ पे आके सोफ़े पे सो भी जाते हैं, अगर कभी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो उधर ही सो जाते हैं। इस टाइम स्टूडेंट बैठा हुआ है, आपको भी आते हैं। लाइब्रेरी के अगर हम बॉटम पे जाएं, बेसमेंट में, तो यहाँ पे एक क्वाइट जोन भी है जहाँ पे कोई बोल नहीं सकता, सारे चुप करके स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम भी नहीं बोलेंगे, बस आपको दिखा देते हैं कुछ एरिया वहाँ पे। ये एक हमारे नेपाली भाई हैं, कैसे हो भाई? बहुत स्टडी करते हैं यहाँ पे तो ये भाई बेसमेंट में लाइब्रेरी की है ये क्वाइट जोन, यहाँ पे सब अपने चुप करके पढ़ रहते हैं, कोई शोर नहीं होता, तो हम भी कोशिश करेंगे चुप रहें यहाँ पे। तो ये था हमारे डिपार्टमेंट, अब हम आगे चलते हैं स्पोर्ट्स सेंटर की तरफ और आपको दिखाते हैं अपना स्पोर्ट्स सेंटर। तो ये है भाई हमारा स्पोर्ट्स सेंटर, बच्चे कर रहे हैं स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी का जिम,